हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर टू पोलिनोम क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव सो इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं आपकी उन आइडेंटिटीज को आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स देखिए आइडेंटिटी आपकी बेस होती है समझ लीजिए तो ये आइडेंटिटी आपको ये नहीं कि आपको नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, तो नाइन्थ में ही काम आएंगी इन फ्यूचर आप किसी भी क्लास में आ जाए ये आइडेंटिटीज आपकी पीछा नहीं छोड़ेंगी तो इसलिए इन आइडेंटिटीज को सही तरीके से लर्न कर लीजिए मैं तो कह रहा हूँ कि रट लीजिए इनको आप राइट So, जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वाइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई अगर प्लस है तो प्लस टू एक्स वाई यहाँ माइनस है तो माइनस टू एक्स वाई बाकी सब सेम होता है ये आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब आपको वन टाइम प्लस करना होता है और वन टाइम माइनस करना होता एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई एक चीज और बताता हूं अभी मैं ये जो आइडेंटिटीज हैं ये नहीं कि आपको एल एच एस से आर एच एस वाली करनी है मतलब लेफ्ट साइड से राइट right साइड वाली करनी है आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कहीं पर आ जाए तो हम उसको एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आ जाए तो हम उसको एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कर सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कहीं पर आ जाए तो हम उसको एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर नोट कर सकते हैं आई I मीन mean ये आइडेंटिटीज आपको बहुत साइड से लर्न करके चलनी है नेक्स्ट इज एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी तो इसको हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी एक चीज का और ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन में यहां पर प्लस ए के प्लेस पर माइनस ए है या यहां पर माइनस वी है तो हम ए और वी को प्लस है तो प्लस लिखेंगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे आइडेंटिटी आपकी सेम रहेगी माइनस ए और माइनस बी की आइडेंटिटी आपको लर्न करने की नीड नहीं है ओके नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स ओके आइडेंटिटी भी आपको लर्न करनी है नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब इसकी आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ओके एंड इसको हम डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं इसी को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लाई करके भी थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर ओके आई मीन आपको इनको इसमें इस वे में भी आपको लर्न करना है और इस वे में भी आपको लर्न करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होने वाली है उसके अकॉर्डिंग पर अप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट बस माइनस साइन चेंज हो जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई ओके सो इसमें ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स ई स्क्वायर ओके एंड नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड तो इसकी आइडेंटिटी यही स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान भी रखना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये आइडेंटिटी होती है इसको भी ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसकी आइडेंटिटी एक्स प्लस माइनस एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसमें प्लस हो गया था आफ्टर दैट माइनस लास्ट में यहां पर माइनस है तो स्टार्टिंग में माइनस हो जाएगा और बाद में सबके सब प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओके अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे ये आइडेंटिटी नंबर एट है इसको अलग वे में भी आपको लर्न करना है ये है x, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड और इसको हमने लिखा एक्स प्लस जेड एक्स स्क्सर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स अच्छा इसमें एक चीज हो ये है x, ये y और ये जेड जो हमारी x की वैल्यू है सपोज कीजिए प्लस में है y माइनस में है जेड प्लस में है अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होता है देन हमारी एक न्यू आइडेंटिटी बन जाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाता है, देन, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम सो क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन वन जीरो फोर इंटू नाइनटी सिक्स तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर हमें हमें आइडेंटिटी को देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई हो सकती है और कौन सी नहीं होगी आई मीन वन जीरो फोर है तो वन जीरो फोर को हम क्या लिख सकते हैं हंड्रेड प्लस फोर तो कैन बी राइट हंड्रेड प्लस फोर मल्टीप्लाई नाइनटी सिक्स को हमें हंड्रेड माइनस फोर ओके सो so, देखिए अब हमें यहां पर एक आइडेंटिटी दिख रही है यहां पर देखिए एक चीज का ध्यान रखना है ये नंबर और ये नंबर सेम है सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर सेम है और साइन चेंज है इट्स मीन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्स सेम है दोनों में y भी सेम है दोनों में इट्स मीन यहां पर ये यह आइडेंटिटी अप्लाई होगी अच्छा इस आइडेंटिटी को हमें पता है क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओके तो देखिए एक चीज का ध्यान रखेंगे जैसे x है x के प्लेस पर क्या है 100 y के प्लेस पर 4 यहां पर x के प्लेस पर 100 y के प्लेस पर 4 सेम होना चाहिए ऐसा नहीं कि यहां पर 100 और यहां 50 देन ये आइडेंटिटी फिर अप्लाई नहीं होगी बस साइन चेंज है तभी हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होती है आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर हो गई है इट्स एक्स की वैल्यू क्या है इट्स मीन फोर जीरो यहां पर आ जाएंगे माइनस फोर स्क्वायर सिक्सटीन ओके अब इसको माइनस कर देंगे दैट इज टेन में से सिक्स जाएंगे सॉरी फोर और नाइन में से बन जाएंगे एट

एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स के प्लेस पर टू हंड्रेड वाई के प्लेस पर सेवन सेम टू सेम टू हंड्रेड एंड सेवन सो वी विल राइट इट टू हंड्रेड स्क्वायर माइनस सेवन स्क्वायर टू हंड्रेड स्क्वायर इट्स मीन फोर डबल जीरो ओके माइनस सेवन सेवन जर फोर्टी नाइन सो इसको हम यहां पर माइनस भी कर सकते हैं फोर एंड माइनस फोर्टी नाइन सो माइनस करेंगे वन आफ्टर दैट नाइन माइनस फोर फाइव नाइन नाइन थ्री इट्स मीन योर आंसर इज थ्री नाइन नाइन फाइव वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स थर्ड है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपको आइडेंटिटी सभी अगर लर्न है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास ये एक्स और ये एक्स राइट ये ए समझो इसे और इसे बी समझो क्योंकि अलग अलग है अगर सेम होते हैं तो सिंपली आप कोई सा भी सेम वाले का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं लेकिन यहां पर डिफरेंट है तो इसको हम एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी तो क्या आइडेंटिटी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ओके तो ये आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करेंगे एक्स के प्लेस पर एक्स है ए के प्लेस पर फाइव एंड बी के प्लेस पर इलेवन So, कीजिए so, ही रहेगा प्लस ए कितना है आपका ये आपका आंसर हो गया ओके okay? ये है, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हुई आफ्टर दैट आंसर आ गया नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट सो हियर ऑल्सो ए है यहाँ पर पास नाइन एंड बी इज माइनस टू सो आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ओके आइडेंटिटी हमारी यही अप्लाई होनी है अब हमारा क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए इज नाइन एंड बी कितना है हमारा माइनस टू तो जो भी होता है अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे प्लस होता तो है तो प्लस लिखते हैं एक्स प्लस ए बी नाइन इंटू बी ए हमारा नाइन है और बी कितना है माइनस टू ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स अगर प्लस है तो नाइन ऐसे ही आ जाएगा माइनस है तो साइन माइनस का ही आएगा इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस टू सेवन एक्स एंड प्लस माइनस माइनस नाइन टू जर एटीन इट्स योर आंसर ओके एंड थर्ड पार्ट इज टू एक्स प्लस सेवन टू एक्स माइनस थ्री सो हियर ऑल्सो एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इसकोस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी ओके आइडेंटिटी वही अप्लाई करनी है सो so, इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स होल स्क्वायर क्योंकि एक्स की प्लेस पर यहां पर टू एक्स है प्लस ए प्लस बी दट इज सेवन माइनस थ्री एक्स टू एक्स है हमारे पास एंड प्लस ए बी सेवन इंटू माइनस थ्री सो टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन माइनस थ्री फोर इंटू टू एक्स माइनस सेवन थ्री हार ट्वेंटी वन सो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर टू हार एट एक्स माइनस ट्वेंटी वन इट्स योर आंसर ओके इस बे में इसको करना है हियर ऑल्सो एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी आइडेंटिटी होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी तो यही आइडेंटिटी हम यहां पर अप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर मीनिंग एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वन अपॉइंट फोर प्लस थ्री अपॉइंट फोर एक्स एक्स के प्लेस पर एक्स ओके यहां पर हम इसको कैपिटल एक्स लिख सकते हैं ओके so, okay? इसको लिखेंगे हम एक्स फोर प्लस ये वन प्लस थ्री बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐसे प्लस कर देंगे वन प्लस थ्री कितना होगा फोर फोर अपॉइन फोर एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई ऐसी कर देते हैं थ्री अपॉन फोर जाए सिक्सटीन फोर से फोर कट हो जाएगा दैट इज एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन सिक्सटीन इस यही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स थैंक यू